जय हिंद फ्रेंड्स मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बी एस ट्रिकी क्लासेस पे आज हम लोग अलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ ए आर ओ के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे साथ ही साथ उन सवालों से जुड़े संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप ध्यानपूर्वक सारे सवालों को देखें और साथ ही साथ सारे सवालों के आंसर कमेंट करने का प्रयास करें इसके अलावा जो भी बच्चे क्लास में हैं आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप क्लास को सपोर्ट क्या करें क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि क्लास को सपोर्ट मिल सके और ज्यादा संख्या में बच्चे क्लास में उपस्थित होकर क्लास का लाभ उठा सकें तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल टेलनेट स्टैंड फॉर टेलनेट का तात्पर्य है आंसर कीजिएगा टेलनेट का तात्पर्य क्या है ऑप्शन नंबर ए टेलीफोन नेटवर्क ऑप्शन नंबर बी टेलीविजन नेटवर्क ऑप्शन नंबर सी टेलीटाइप टाइप नेटवर्क ऑप्शन नंबर डी टेलीफैक्स नेटवर्क तो याद रखना है कि टेलनेट का मतलब होता है टेलीफोन नेटवर्क ठीक है तो टेलनेट स्टैंड्स फॉर टेलीफोन नेटवर्क आपका सही आंसर होगा याद रखिएगा टेलनेट का तात्पर्य होता है टेलीफोन नेटवर्क अगला सवाल वट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए एल यू काफी आसान सवाल है ए एल यू का फुल फॉर्म क्या होता है आप जानते हैं कि ए एल यू जो है सीपीयू का ही एक भाग होता है ठीक है तो ए एल यू का फुल फॉर्म क्या होता है एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट तो याद रखिएगा ए एल यू का फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ठीक है लास्ट में आपको फुल फॉर्म बता देंगे बहुत सारा अभी आपको याद रखना है ए एल यू का फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट अब देखिए आप जानते हैं सीपीयू सीपीयू का ही भाग होता है ए एल यू तो सीपीयू के बारे में सवाल क्या क्या पूछता है तो आप जानते हैं कि सीपीयू को क्या कहा जाता है कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है कंप्यूटर का हार्ट कहा जाता है तो याद रखेंगे कि हार्ट और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है सीपीयू को कंप्यूटर का हृदय और मस्तिष्क कहा जाता है ठीक है सीपीयू कंप्यूटर के सभी कार्यों को कंट्रोल करता है निर्देशित करता है और कोऑर्डिनेट करता है ठीक है समझ में आया डेटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य सीपीयू करता है और सीपीयू का तीन भाग हो गया कौन कौन सा एक तो सी यानी कंट्रोल यूनिट दूसरा आपको याद रखना है एलयू यानी एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और तीसरा इसका भाग होता है रजिस्टर तो ये तीन चीज आपको याद रखना है कि सीपीयू का तीन भाग होता है कौन कौन सा तो सीयू यू और रजिस्टर्स याद रखना है कि सीपी का तीन भाग होता है अब देखिए कंट्रोल यूनिट नाम से पता चल रहा है सी यू सी यू मतलब कंट्रोल यूनिट अब कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है तो याद रखिएगा सीपीयू का कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों को कंट्रोल करता है तथा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट में सीपीयू द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली कार्यों की सूची होती है जिसे इंस्ट्रक्शन सेट कहा जाता है कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सिस्टम कहा जाता है तो ये भी पूछता है कंप्यूटर का नर्व सिस्टम किसे कहा जाता है तो सी यू को कंप्यूटर का नर्व सिस्टम कहा जाता है समझ में आया तो आप याद रखेगा सी यू यानी कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सिस्टम कहा जाता है ठीक है इसको आप लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कंट्रोल यूनिट का कंट्रोल यूनिट को क्या कहा जाता है तो कंप्यूटर का नर्व सिस्टम कहा जाता है ठीक है तो याद रखेंगे कि कंट्रोल यूनिट सी यू को कंप्यूटर का नर्व सिस्टम कहा जाता है इसके बाद हम लोग आते हैं ए एल यू में ए एल यू यानी एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यह सी पी यू का एक भाग है और डेटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम जो होता है वो ए एल यू के द्वारा किया जाता है ए एल यू यानी एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट डेटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर या बोल सकते हैं कि डेटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के आधार पर जितना भी प्रकार का मैथमेटिकल और लॉजिकल काम होता है वो सारा ए एल यू करता है यानी एल यू को ए एल यू का दो भाग होता है एक तो एयू और दूसरा एल यू ठीक है एयू का मतलब होता है एरिथमेटिक यूनिट और एल यू का मतलब होता है लॉजिकल यूनिट तो एयू जो होता है यानी जो एरिथमेटिक यूनिट होता है वो अंक गणितीय गणना करता है ठीक है जैसे यहां पे देखिए एएल यू लिखा हुआ है तो एएल यू का दो भाग है एक हो गया याद रखना एक होता है ए यू और दूसरा होता है एल यू तो जो ए यू होगा ए से क्या एरिथमेटिक यू से यूनिट तो एरिथमेटिक यूनिट क्या करेगा जितना भी एरिथमेटिकल गन्ना होगा जैसे जोड़ घटा गुना भागा ये सारा ए यू करता है ठीक है और एल यू मतलब लॉजिकल यूनिट अब लॉजिकल यूनिट में क्या क्या आता है आपको पता होगा कौन बड़ा है कौन छोटा है यानी कंपेयर जो करते हैं ठीक है समझ में आ रहा है ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ये सब जो होता है एल यू करता है इसका मतलब कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि ए एल यू एल यू यानी एरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट ठीक है डेटा पर अंक गणित गणना करता है और साथ ही साथ तुलना करने का काम करता है आ गया समझ में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये याद रखिएगा और रजिस्टर रजिस्टर से भी सवाल बनता है तो आप जानते हैं कि सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के साथ सीपीयू को ही माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है ठीक है याद रखिएगा सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है क्या कहा जाता है सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है आप याद रखेंगे ठीक है सीपी को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है और हार्ट और ब्रेन भी कहा जाता है कंप्यूटर का याद रखना है ठीक है तो रजिस्टर होता क्या है तो याद रखिएगा सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के साथ निर्मित बहुत तीव्र गति वाला प्राथमिक मेमोरी होता है रजिस्टर ठीक है और इसे सीपीयू की कार्यकारी मेमोरी कहा जाता है यानी सीपीयू का वर्किंग मेमोरी कहा जाता है रजिस्टर को ठीक है सी रजिस्टर में स्थित डेटा सीपीयू रजिस्टर में स्थित डेटा को प्रोसेस कर पाता है यानी डेटा और डेटा और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसिंग से पहले रजिस्टर में स्थानांतरित किया जाता है और रजिस्टर मेमोरी का एक्सेस टाइम एक से दो नैनो सेकेंड हो सकता है यानी यहाँ से आपको याद रखना है कि रजिस्टर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा और रजिस्टर किसका पार्ट होगा सी का पार्ट होता है रजिस्टर आप याद रखेंगे ठीक है कैश मेमोरी है रैम है रोम है ये सब आपको पढ़ना होगा ठीक है चलिए इतना सवाल फिलहाल आप याद रखेंगे यहाँ से तो ALU का फुल फॉर्म क्या होता है एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट आप याद रखेंगे ठीक है अगला सवाल लोकप्रिय खोज इंजन गूगल का नाम गूगल शब्द से ड्राइव किया गया है इस शब्द का क्या अर्थ है यानी हम लोग जानते हैं जो गूगल सर्च इंजन है ठीक है उस गूगल का नाम जो है गूगल शब्द से लिया गया है अब गूगल शब्द का अर्थ क्या होता है यह आपसे पूछ रहा है तो आंसर करें गूगल शब्द का अर्थ क्या होता है ठीक है गूगल शब्द का अर्थ क्या होता है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि गूगल शब्द नाम जो है यह गूगल शब्द से बना हुआ है आप सभी को याद रखना है कि गूगल नाम जो है ये गूगल शब्द से, से बना हुआ है किससे बना हुआ है गूगल शब्द से बना हुआ है और गूगल शब्द का अर्थ क्या होता है तो आपको याद रखना है एक संख्या जिसके बाद एक सौ शून्य हो ठीक है तो गूगल शब्द किससे बना है तो याद रखना है गूगल शब्द का अर्थ होता है एक संख्या जिसके बाद सौ शून्य हो ठीक है अब देखिए गूगल होता क्या है तो आप सभी को पता होगा कि गूगल एक सर्च इंजन है तो बताइए सर्च इंजन क्या होता है आप जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब सूचनाओं का था भंडार है जिसमें करोड़ों वेब पेज स्थित हैं जिन्हें इंटरनेट की मदद से प्राप्त किया जा सकता है और इस अथा भंडार में से में से वांछित सूचनाएं खोजने सर्च इंजन जो होता है वो हमारी मदद करती है सर्च इंजन वेब पर स्थित सभी वेब पेज की सूची यानी इंडेक्स बनाकर रखता है और यह वेब पेज के टाइटल उसका जो मुख्य कीबोर्ड कीवर्ड होता है और वेब पेज पर स्थित किसी शब्द या शब्द समूह के आधार पर वेब पेज की खोज करता है ठीक है तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर्च इंजन और सर्च इंजन का एग्जाम्पल क्या क्या होगा गूगल याहू ठीक है गूगल याहू इसके बा बाद आस्क डॉट कॉम बहुत सारा सर्च इंजन है आप जानते हैं आस्क डॉट कॉम ठीक है अल्टा विस्टा यह सब क्या है सर्च इंजन है तो याद रखना है आस्क डॉट कॉम आल्टा विस्टा ऑर्कुट ठीक है और ऑर्कुट तो आस्क डॉट कॉम एल्टा विस्टा ऑरकुट गूगल याहू ये सब क्या है कुछ प्रमुख लोकप्रिय सर्च इंजन है ठीक है और सर्च इंजन द्वारा हम लोग सूचना को खोजते हैं तो वेब ब्राउजर के एड्रेस बॉक्स में सर्च इंजन का पता मतलब यू टाइप करते हैं जैसे अगर हमको गूगल में जाना है तो डब्ल्यू ठीक है तो इस तरह आप जानते ही होंगे ये तो आपको याद क्या रखना है कि जो गूगल शब्द है उसका अर्थ होता है एक संख्या जिसके बाद एक सौ शून्य हो ठीक है कोई संख्या जिसके बाद सौ शून्य हो वही होता है गूगल कार्थ और गूगल एक सर्च इंजन है याद रखेंगे ठीक है अगला सवाल द टाइम बिटवीन प्रोग्राम इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड आंसर करेंगे प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है याद है तो आंसर कमेंट करें प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए टर्न अराउंड टाइम याद रखिएगा प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का जो समय होता है उसे टर्न अराउंड टाइम कहा जाता है ठीक है समझ में आया तो टर्न अराउंड टाइम आप याद रखिएगा प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच के समय को टर्न अराउंड साउंड कहा टर्न अराउंड टाइम कहा जाता है ठीक है सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनु अनुदेशों के निष्पादन का चयन निर्वचन और मॉनिटर करता है सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन निर्वचन और मॉनिटर करता है ठीक है तो आंसर करें आंसर क्या होगा सीपीयू का कौन सा भाग तो पढ़ा हुआ सवाल है सीपीयू का कौन सा भाग देखिए इंग्लिश में देखिए द सेक्शन ऑफ द सीपीयू दैट सेलेक्ट्स इंटरप्रिट्स एंड मोनिटर द एग्क्यूजन एग्जीक्यूशन ऑफ़ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज ठीक है तो प्रोग्राम का जो प्रोग्राम को इंटरपीट करता है उसको मॉनिटर करता है ठीक है जो उसका जो एग्जीक्यूशन होता है उसको मॉनिटर करता है प्रोग्राम का जो कार्य होता है उसको तो ये कौन करेगा तो कंट्रोल यूनिट करेगा ना ठीक है तो सी का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन निर्वचन और उसको कंट्रोल करता है तो कंट्रोल यूनिट याद रखिएगा ठीक है तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है साथ ही साथ हार्डवेयर जो डिवाइस होता है उसको भी कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट करता है इसके अलावा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों को भी कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट याद रखिएगा ठीक है इसके अलावा यहां पे ऑप्शन देखिए आप मेमोरी अब मेमोरी से भी सवाल आपका पूछा जा सकता है ना पूछा जा सकता है मेमोरी से सवाल तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल बनता है अब मेमोरी होता क्या है तो आप जानते हैं डेटा और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने से पहले मेमोरी में रखा जाता है ठीक है और प्रोसेस द्वारा प्राप्त अंतरिम और अंतिम परिणामों को भी मेमोरी में रखा जाता है ठीक है तो प्रोसेस किए गए प्रोसेस के लिए दिए गए डेटा और इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में स्टोर रखा जाता है याद रखिएगा ठीक है और मेमोरी को भी कुछ भागों में बांटा गया है जैसे आप जानते हैं प्राइमरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी फिर सेकेंडरी मेमोरी ठीक है इसके बाद रजिस्टर है कैच मेमोरी है तो ये सब एग्ज़ाम में आपसे पूछता है याद रखिएगा प्राइमरी मेमोरी मेमोरी में क्या आता है उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी में क्या आता है ये सब आपको याद रखना है ठीक है प्राइमरी मेमोरी आप जानते होंगे कि प्राइमरी मेमोरी जो होता है इसकी स्मृति क्षमता कम होती है लेकिन गति जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है ठीक है और प्राइमरी मेमोरी में अस्थायी निर्देशों और तात्कालिक परिणामों को संग्रहित किया जाता है प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी होता है जिसमें कंप्यूटर अगर ऑफ हो जाए तो जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन जो भी स्टोर था वो सारा गायब हो जाता है ठीक है तो प्राइमरी मेमोरी आपको याद रखना है कि प्राइमरी मेमोरी तेज होता है लेकिन उसका स्मृति क्षमता जो होता है वो कम होता है और प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल नेचर का नेचर का होता है ठीक है समझ में आया तो ये आप याद रखिएगा ठीक है और प्राइमरी मेमोरी का फिर एग्जाम्पल सब आप याद रखेंगे जैसे रजिस्टर हुआ कैच हुआ रोम हुआ रैम हुआ ये सब प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है ठीक है चलिए अगला सवाल देख लेते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा कंट्रोल यूनिट याद रखना है कि सी का कंट्रोल यूनिट जो है वो प्रोग्राम के अनुदेशों का निष्पादन चयन निर्वचन और मॉनिटर करता है निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया आंसर करेंगे इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया था ठीक है विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाने वाले व्यक्ति कौन थे तो आंसर करेंगे विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाने वाले व्यक्ति कौन थे याद है तो बताएं तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी एप्सन याद रखना है विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर जो है एप्सन कंपनी के द्वारा लाया गया था ठीक है तो विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में कौन लाया था तो एप्सन आप याद रखेंगे कि एप्सन कंपनी ने विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया था ठीक है और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आप सभी जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है तो कमेंट कर दीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट क्या है ठीक है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं आंसर करेंगे पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं पांचवी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसका खासियत क्या है ठीक है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर क्या है आंसर करेंगे देखिए तो यहां पे सही आंसर क्या होने वाला है ऑप्शन नंबर बी नॉलेज प्रोसेसर ठीक है तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का विशेषता है नॉलेज प्रोसेसर ठीक है तो सही आंसर क्या होगा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर नॉलेज प्रोसेसर अब देखिए फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो यूएलएसआई और एस एल एस आई ठीक है दोनों से बना हुआ है यानी यू एल एस आई मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंट्रीगेशन एस एल एस आई मतलब होता है स्मॉल सॉरी एस एल एस आई मतलब होता है सुपर लार्ज स्केल इंट्रीगेशन ठीक है तो याद रखिएगा यू एल एस आई और एस एल एस आई से करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से युक्त माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास हुआ और इससे आज के टाइम में बहुत छोटे छोटे कंप्यूटर का निर्माण हुआ है और जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है और जिसमें स्टोरेज भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है ठीक है तो पांचवा पीढ़ी का कंप्यूटर का कुछ विशेषता है तो इसको आप लोग या, याद रखिएगा देखिए फर्स्ट जनरेशन से आपको बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या था तो विशेषता क्या था फर्स्ट जनरेशन में आप सभी को पता होना चाहिए फर्स्ट जनरेशन में वैकम ट्यूब का ज़माना था ठीक है फर्स्ट पीढ़ी में क्या था वैकम ट्यूब याद रखना फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में वैकम वैकम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था किसका इस्तेमाल किया जाता था वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता किया जाता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में ठीक है और इसका एग्जाम्पल क्या क्या था तो इनएक एडवैक याद रखिएगा और फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर का आकार काफ़ी बड़ा होता था खर्चीला होता था ऊर्जा का ज़्यादा कंजम्पशन होता था ठीक है और गलती भी उसमें निकलता था ठीक है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इसके बाद आता है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो है ये आपका इंपॉर्टेंट होगा सेकेंड पीढ़ी तो सेकेंड पीढ़ी याद रखना इसमें क्या होता है ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रां जिस्टर का उपयोग किया जाता है तो ये सवाल आप याद रखिएगा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज ठीक है का इस्तेमाल किया जाता है साथ ही साथ ये भी खर्चीला था लेकिन ये अपेक्षाकृत छोटा था और थोड़ा सा फास्ट था ठीक है और इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में तो आई बी एम वन फोर ज़ीरो वन याद रखिएगा ठीक है तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था आप याद रखिएगा ठीक है और यहाँ से बहुत सारा सवाल बनता है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया तो याद है तो बताएं ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया आपको याद रखना है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया जिससे अपेक्षाकृत हल्के छोटे और कम विद्युत खपत वाले कंप्यूटर का निर्माण हुआ ठीक है और सेकेंड जेनरेशन कंप्यूटर में उच्च स्तरीय असेंबली भाषा यानी हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज का उपयोग किया गया था ठीक है और इसके अलावा याद रखना है कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में डेटा और सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया था ठीक है कोबोल आप जो जानते हैं कोबोल कोबोल किस में आता है कोबोल जो है कोबोल का फुल फॉर्म भी आपको पता रखना है कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज ठीक है और फोर्टन का फोर्टन का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन तो ये दोनों का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा ठीक है फोर्टन का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन ठीक है और कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज अब ये दोनों क्या है कोबोल और फोर्टन तो आप जानते हैं कि लैंग्वेज है ठीक है हाई लेवल लैंग्वेज है कोबोल और फोर्टन दोनों उच्च स्तरीय भाषा है जिनका विकास आई के द्वारा किया गया था ठीक है और यह भी सेकेंड पीढ़ी के अंतर्गत ही आता है तो आप याद रखिएगा दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर के दौरान ही कोबोल और फोर्टन जैसे उच्च स्तरीय भाषाओं का आविष्कार किया गया था ठीक है अब ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया ठीक है तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार आप जानते हैं जॉन बारडीन विलियम सॉकले तो याद रखिएगा ट्रांजिस्टर का आविष्कार बारडीन ठीक है बार्डीन ट्रांजिस्टर का आविष्कार बारडिन शोकले ठीक है बार्डिन और शोकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था और ट्रांजिस्टर किससे बना है तो सिलिकन और जर्मेनियम से बना होता है तो याद रखना है अर्धचालक पदार्थ सिलिकन या जर्मेनियम का बना ट्रांजिस्टर होता है और ट्रांजिस्टर एक त्रिव स्विचिंग डिवाइस के रूप में काम करता है तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार बार्डिन शोकले ने किया था और ट्रांजिस्टर जो है याद रखना है कि सिलिकन या जर्मेनियम नामक पदार्थ से बनता है ठीक है और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर बोलेगा तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आप जानते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था तो तीसरा पीढ़ी जो बोलेगा अगर तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर उसमें क्या किया गया था आईसी चिप का इस्तेमाल किया गया था ठीक है तो ये भी आप याद रखिएगा तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल किया गया था याद रखना है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था तो ये आप याद रखिएगा ट्रांजिस्टर के जगह आईसी चिप का इस्तेमाल किया गया था ठीक है ट्रांजिस्टर की जगह आईसी चिप का चिप का उपयोग यही सब सवाल तो एग्जाम में पूछता है तो आपको याद रखना है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आईसी चिप का इस्तेमाल किया गया था आईसी का मतलब क्या होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप ठीक है तो आईसी चिप का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आप याद रखिएगा ठीक है और आया ये समझ में इसके बाद आपको याद रखना है कि तीसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का इस्तेमाल किया गया था तो आईसी चिप का आविष्कार किसने किया ठीक है ये पूछेगा आपसे आईसी चिप का आविष्कार किसने किया यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किसने किया तो याद रखना है आईसी चिप का आविष्कार जैक किल्वी याद रखेंगे जैक किल्वी ने आईसी चिप का आविष्कार किया था जैक किल्वी के साथ साथ एक और व्यक्ति थे रॉबर्ट ठीक है रॉबर्ट नोई तो जैक किल्वी और रॉबर्ट नोई के द्वारा याद रखना है जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई के द्वारा आईसी चिप का आविष्कार किया गया था तो याद रखेंगे आईसी चिप का आविष्कार जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई ने किया था ठीक है आए समझ में और आप जानते हैं कि सेमी से आईसी चिप का आविष्कार होता है जैसे सिलिकन या फिर जर्मेनियम ठीक है और फोर्थ पीरी का जो फोर्थ पीरी का जो कंप्यूटर था ठीक है उसमें आपको याद रखना है फोर्थ पीरी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया ठीक है तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था आप याद रखेंगे और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में यूएलएस आई एस एल एस आई ठीक है इन सब का इस्तेमाल किया गया था ठीक है समझ में आ गया तो आप याद रखेंगे तो यहां पे पूछा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है तो याद रखेंगे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है नॉलेज प्रोसेसर है ठीक है तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा ठीक है अगला सवाल सी आर एल पुणे द्वारा बनाया गया भारतीय सुपर कंप्यूटर जो विश्व में चौथा सबसे तीव्र और एशिया में सर्वाधिक शक्तिशाली है कौन सा है ठीक है तो आंसर करेंगे सी आर एल पुणे द्वारा बनाया गया भारतीय सुपर कंप्यूटर जो विश्व में चौथा सबसे तेज और एशिया का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है कौन सा है ठीक है तो इंपॉर्टेंट सवाल है तो आंसर क्या होगा तो याद रखना एका सुपर कंप्यूटर ठीक है याद रखिएगा सी आर एल पुणे के द्वारा बनाया गया एका कंप्यूटर विश्व का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर और एशिया का सर्वाधिक सुपर कंप्यूटर कंसीडर किया जाता है ठीक है तो एका सुपर कंप्यूटर आप याद रखिएगा किसके द्वारा बनाया गया तो एका सुपर कंप्यूटर सी आर एल पुणे के द्वारा बनाया गया है ठीक है समझ में आया तो याद रखिएगा अब देखिए सुपर कंप्यूटर के बारे में आप जानते हैं कि भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसके द्वारा किया गया पूछता है।, तो तो होगा। होगा। है, तो है परम सुपर कंप्यूटर तो आंसर करें परम सुपर कंप्यूटर के बारे में कि आंसर करेंगे परम सीरीज का जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन बनाता है किसके द्वारा बनाया गया है या किसके द्वारा बनाया जाता है ठीक है तो आप याद रखिएगा परम सीरीज का जो सुपर कंप्यूटर होता है उसका निर्माण सी डैक पुणे द्वारा किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है सी डैक पुणे द्वारा ठीक है अब इसका फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं सी डैक का तो पहले तो ये याद रखिएगा सी डैक पुणे द्वारा परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है ठीक है सी डैक पुणे द्वारा परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है सी डैक का फुल फॉर्म क्या होता है तो नीचे थोड़ा लिख दे रहे हैं सी डैक का फुल फॉर्म पूछेगा तो आपको याद रखना है सी डेक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर एडवांस ठीक है सेंटर फॉर डेवलपमेंट याद रखिएगा सी डेक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ठीक है तो ये आप याद रखिएगा सेंटर फॉर ठीक है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सी का फुल फॉर्म होता है और ये कहां पे है पुणे में तो याद रखिएगा सी डैक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग पुणे के द्वारा परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है अब ठीक है ये तो समझ में आ गया अब आपसे पूछेगा परम सुपर कंप्यूटर में पहला सुपर कंप्यूटर कौन था यानी परम सीरीज का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था तो याद रखना है परम आठ हजार परम 8000 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है याद रखना है परम 8000 सुपर कंप्यूटर है जिसे सी डैक पुणे द्वारा बनाया गया था ठीक है समझ में आया याद रखिएगा परम 8000 सी डैक द्वारा बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर था यानी परम सीरीज का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है परम 8000 याद रखिएगा ठीक है इसके बाद आपको याद रखना है भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किन को कहा जाता है भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किनको कहा जाता है बताएं भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किन्हें कहा जाता है याद है तो बताएं भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किनको कहा जाता है तो आप याद रखिएगा भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भास्कर को कहा जाता है डॉक्टर विजय भास्कर को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है ठीक है तो भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक डॉक्टर विजय भास्कर जी को कहा जाता है आप याद रखिएगा और विश्व में आप जानते हैं विश्व विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी ने किया था ठीक है और विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक सेमोर क्रे को कहा जाता है ठीक है तो भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक डॉक्टर विजय भास्कर को कहा जाता है जबकि ओवरऑल सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा सुपर कंप्यूटर का जनक सेमोर क्रे को कहा जाता है उन्हें सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता माना जाता है ठीक है तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सेमोर क्रे को कहा जाता है आप याद रखेंगे ठीक है आया समझ में इसके अलावा और भी है जैसे भारत में आप जानते हैं युवा ठीक है यह, यहां से भी सवाल पूछता है परम युवा परम युवा टू सुपर कंप्यूटर का निर्माण 2013 में किया गया था सीडेक द्वारा ठीक है तो परम सीरीज का जितना भी सुपर कंप्यूटर है सारा का सारा याद रखना है सीडेक पुणे के द्वारा बनाया जाता है और अनुपम सीरीज का जो सुपर कंप्यूटर होगा वो किसके द्वारा बनाएगा तो अनुपम सीरीज का सुपर कंप्यूटर समझ में आ रहा है तो अनुपम सीरीज का जितना भी सुपर कंप्यूटर होगा ठीक है वो कौन बनाता है तो बार्क के द्वारा बनाया जाता है बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है बताएं पूछेगा अनुपम सुपर कंप्यूटर कौन बनाता है तो बार्क बी ए आर सी ठीक है भाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आप जानते हैं तो बार्क का फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और ये कहाँ पे है मुंबई में है तो याद रखना है अनुपम सीरीज का सुपर कंप्यूटर का निर्माण बार्क मुंबई द्वारा किया जाता है समझ में आया तो परम पूछेगा तो परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर सीडेक पुणे और अनुपम सीरीज का सुपर कंप्यूटर बार्क मुंबई द्वारा बनाया जाता है आप याद रखिएगा ठीक है और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है यह सवाल थोड़ा सा हार्ड होगा तो आंसर करें भारत का पहला सुपर कंप्यूटर भारत का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है याद रखने रखना है फ्लो सालवर ठीक है फ्लो शाल्वर तो याद रखिएगा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है फ्लो शाल्वर ठीक है और ये किसके द्वारा बनाया गया था तो नाल के द्वारा बनाया गया था नाल बेंगलुरु नाल का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जाम में तो नेशनल एरोनोटिकल लैब नाल नेशनल एरोनोटिकल लैब कहाँ पे है बेंगलुरु में है ठीक है यानी बंगलुरु में है तो याद रखना है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है फ्लो शाल्वर ठीक है तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर फ्लो साल्वर का विकास नाल यानी नेशनल एरोनोटिकल लैब बेंगलुरु द्वारा उन्नीस ईस्वी में किया गया था ठीक है तो इतना सवाल यहां से याद रखिए बहुत सारा सवाल आपको बताएं तो ये आपको समझ में आ गया होगा पुणे द्वारा बनाया गया भारतीय सुपर कंप्यूटर विश्व का चौथा सबसे तेज और एशिया का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है तो ऑप्शन के अनुसार होगा ए का सुपर कंप्यूटर समझ में आया ऑप्शन के अनुसार आंसर क्या होगा ए का सुपर कंप्यूटर याद रखिएगा क्योंकि सुपर कंप्यूटर आप जानते हैं कि बहुत चेंजिंग होते रहता है ठीक है आज सुपर कंप्यूटर बना है मान लीजिए एक सुपर कंप्यूटर तो एक महीना बाद फिर इससे भी तेज सुपर कंप्यूटर बन जाता है आप जान रहे हैं ठीक है तो इसके लिए आपको अपडेट रहना होगा रेगुलर तो ऑप्शन के अनुसार आंसर क्या होगा याद रखना ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा ठीक है अगला सवाल इंटरनेट के क्षेत्र में डब्ल्यू का प्रयोग किसके लिए किया जाता है ठीक तो है तो डब्ल्यू सभी जानते का फुल फॉर्म क्या होगा www का वाइड वेब, तो याद रखना है डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब अब वर्ल्ड वाइड वेब है क्या बताइए वर्ल्ड वाइड वेब है क्या तो याद रखना है कि वर्ल्ड वाइड वेब को डब्लू भी कहा जाता है क्या कहा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब को डब्लू थ्री या वेब भी कहा जाता है यह इंटरनेट पर सर्वाधिक लोकप्रिय और उपयोगी सेवा है ठीक है वर्ल्ड वाइड वेब हाइपर लिंक द्वारा आपस में जुड़े हुए सूचनाओं का विशाल समूह है जिसे इंटरनेट पर वेब ब्राउजर की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसा तंत्र है जिसमें विभिन्न कंप्यूटरों को मतलब विभिन्न कंप्यूटरों के द्वारा एकत्रित सूचनाओं को हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की सहायता से एक दूसरे से जोड़ा जाता है इन सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी एच का उपयोग किया जाता है तो ये पूछता है सवाल कि एच का फुल फॉर्म क्या है तो हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल फिर पूछेगा वर्ल्ड वाइड वेब पेज में सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है तो याद रखेगा वर्ल्ड वाइड वेब पेज में सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने भेजने के लिए हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है तो है, तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड वाइड वेब पेज वर्ल्ड वाइड वेब पेज स्टोर्ड, वर्ल्ड वाइड वेब पेज पर स्टोर प्रत्येक पेज वेब पेज कहलाता है यह वेब पेज एस का प्रयोग करते हैं एस यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं तथा हाइपरलिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं समझ में आया फिर से बता रहे हैं तो याद रखिएगा वर्ल्ड वाइड वेब पेज पर जो भी स्टोर पेज होगा ठीक है वो जो पेज होगा वो एच टी एम एल यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करके बनाया जाता है यानी वर्ल्ड वाइड पेप पर वर्ल्ड वाइड वेब पेज पर स्टोर्ड जो पेज होता है उसको हम लोग एच टी एम एल की मदद से बनाते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के मदद से बनाते हैं ठीक है तो ये आप याद रखिएगा ठीक है अब यहाँ से कभी कभी ये भी पूछ देता है कि किसका उपयोग किया जाता है जैसे इंटरनेट के लिए किसका उपयोग किया जाता है और वर्ल्ड वाइड वेब पेज के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है इसको लिख लीजिएगा इंटरनेट के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है तो आपको पता होगा इंटरनेट के लिए टी सी का यूज किया जाता है ना इंटरनेट के लिए इंटरनेट सुविधा के लिए टी सी का इस्तेमाल किया जाता है टी सी पी या आई टी सी पी या आई पी प्रोटोकॉल ठीक है टी सी पी तथा आई पी प्रोटोकॉल मतलब टी सी पी आप समझ रहे हैं ना टी सी पी मतलब क्या होता है टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल ठीक है तो याद रखना है इंटरनेट जो होता है वो टीसीपी आईपी पर काम करता है ठीक है लेकिन अगर पूछ देगा वर्ल्ड वाइड वेब यानी डब्ल्यू ठीक है ये किस पर काम करता है तो ये आपको याद रखना है एच टी टी पी काम करता है किस पे एच टी टी पी पर यानी हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर काम करता है समझ में आया तो ये सवाल आपको याद रखना है पूछेगा एग्जाम में कि डब्ल्यू 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 किस पर कार्य करता है और इंटरनेट किस पर कार्य करता है ठीक है तो इंटरनेट के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी टी सी पी आई पी का उपयोग किया जाता है जबकि वर्ल्ड वाइड वेब पेज हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करता है याद रखेंगे ठीक है तो समझ में आ गया होगा कि डब्ल्यू 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 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है वर्ल्ड वाइड वेब के लिए किया जाता है याद रखेंगे अगला सवाल इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है आंसर करें इंटरनेट से सूचना के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है तो आप सभी जानते हैं आंसर क्या होना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर दो वेब ब्राउजर ठीक तो है तो इंटरनेट से सूचना लेने के लिए वेब ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है आप याद रखेंगे अब देखिए वेब ब्राउजर होता क्या है तो ये भी तो सवाल पूछ सकता है क्योंकि तो हम लोग जानते हैं इंटरनेट से सूचना लेने के लिए हम लोग वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं लेकिन एग्जाम में पूछेगा वेब होता क्या है। तो आपको याद रखना है, इंटरनेट पर वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग करके वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर याद रखना है कि इंटरनेट पर डब्ल्यू डब्ल्यू का प्रयोग वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है इंटरनेट पर वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को उपयोगकर्ता के लिए अवेलेबल कराता है वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर कार्य करता है ठीक है तो वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर जो होता है वो एच पर कार्य करता है वेब ब्राउजर का उपयोग कर वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज को देखना ब्राउजिंग या सर्फिंग कहलाता है सर्फिंग के दौरान यू यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यह भी पूछता है यूआरएल का फुल फॉर्म तो याद रखिएगा तो वेब ब्राउजर का उपयोग कर वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज को देखना ब्राउजिंग या सर्फिंग कहलाता है सर्फिंग के दौरान यू आर एल या ब्राउज या ब्राउजर पर बने नेगीवेशन सॉरी नेविगेशन टूल की सहायता से एक पेज से दूसरे पेज तक पहुंचा जाता है ठीक है तो ब्राउजर आप याद रखिएगा वेब ब्राउजर क्या होता है तो इंटरनेट पर वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग करके कैसे किया जाता है तो वेब ब्राउजर की मदद से किया जाता है यानी इंटरनेट पर हम जो है डब्लू का प्रयोग करेंगे कैसे तो वेब ब्राउजर की मदद से करते हैं और वेब ब्राउजर का आविष्कार किसने किया था तो टीम बर्नर्स ली ने किया था ठीक है तो इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है तो इंटरनेट से सूचना लेने के लिए याद रखना है वेब ब्राउजर एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है और वेब ब्राउजर का निर्माण जो है किसने किया था तो याद रखेगा टीम बर्नर्स ली ने किया था डब्लू का आविष्कार भी टीम बर्नर्स लीने किया था ठीक है तो याद रखिएगा वेब ब्राउजर का निर्माण टीम बर्नर्स लीने उन्नीस सौ इक्यानवे ईस्वी में किया था अब कुछ प्रमुख वेब ब्राउजर है जो एग्जाम में पूछा जाता है तो कौन कौन सा वेब ब्राउजर है तो एक तो आपको याद रखना है इंटरनेट एक्सप्लोरर इंटरनेट एक्सप्लोरर ठीक है इंटरनेट एक्सप्लोरर ये काफी ज्यादा फेमस भी है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पूछेगा क्या है तो आप याद रखिएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट को द्वारा बनाया गया एक वेब ब्राउजर है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल रहता है और विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला वेब ब्राउजर कौन सा है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर समझ में आया तो याद रखिएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला वेब ब्राउजर है और इंटरनेट एक्सप्लोरर का निर्माण जो है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया है ठीक है और वेब ब्राउजर के जनक कौन है टीम बर्नर्सली याद रखेगा अब एक तो हो गया आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर लेकिन हो सकता है एग्जाम में दूसरा पूछ दे मोजिला फायरफॉक्स फायरफॉक्स तो मोजिला क्या है तो ये भी आपको याद रखना है कि मोजिला मोजिला फायरफॉक्स तो मोजिला फायरफॉक्स जो है ये भी आपको याद रखना है क्या है वेब ब्राउजर है ठीक है समझ में आया उसके बाद आपको याद रखना ओपेरा ओपेरा आप जानते होंगे ओपेरा क्या है वेब ब्राउजर है ठीक है गूगल क्रोम क्या है गूगल क्रोम ठीक है जी कैपिटल होगा गूगल क्रोम तो गूगल क्रोम क्या होता है तो गूगल क्रोम भी वेब ब्राउजर है तो यही सब आपको याद रखना है ओपेरा गूगल क्रोम मोजिला फायरफॉक्स इंटरनेट एक्सप्लोरर ठीक है एप्पल सफारी ये सब क्या है वेब ब्राउजर है याद रखिएगा तो मोजिला फायरफॉक्स क्या होता है तो आप जानते हैं मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर का जो विकास है मोजिला कॉरपोरेशन द्वारा किया गया था ठीक है और मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर का उपयोग विंडोज लाइनेक्स और मैकिटोस आदि ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है ठीक है और मोजिला फायरफॉक्स जो है एक फ्री वेब ब्राउजर है जिसका उपयोग करने के लिए हम लोगों को कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ता है उसके बाद ओपेरा ओपेरा वेब ब्राउजर याद रखना है मोबाइल फोन वगैरह में हम लोग काम करते हैं ओपेरा वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं ठीक है इसके अलावा गूगल क्रोम तो गूगल कंपनी द्वारा दो हज़ार में बनाया गया वेब ब्राउजर है गूगल क्रोम ठीक है समझ में आया तो गूगल क्रोम पूछेगा तो गूगल क्रोम क्या है वेब ब्राउजर है याद रखिएगा और गूगल क्रोम का बहुत ज्यादा यूज होता है आज के टाइम में ये भी आप याद रखेंगे ठीक है तो गूगल क्रोम गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया वेब ब्राउजर है याद रखेंगे ठीक है और वेब ब्राउजर काम कैसे करता है तो आपको याद रखना है वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध किसी सूचना को इंटरनेट के जरिए प्राप्त करते हैं समझ में आ गया तो याद रखिएगा कि वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम डब्लू पर यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध किसी भी सूचना को इंटरनेट के जरिए प्राप्त कर सकते हैं ठीक है तो इतना सवाल यहां से आप याद रखेंगे आंसर क्या होगा वेब ब्राउजर आपका आंसर होगा ठीक है तो क्लास को फटाफट एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सके अब देखिए यहां से बहुत सारा सवाल एग्जाम में पूछता है जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी काफी इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है तो आप जानते होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है तो याद है तो बताएं ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है ठीक है तो आपको याद रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का एक समूह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को कंट्रोल करता है तथा हार्डवेयर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ साथ उपयोगकर्ता के बीच में संबंध स्थापित करता है ठीक है बहुत सारा काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का ठीक है समझ में आया ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत सारा काम होता है तो जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है तो कंप्यूटर चालू किए जाने पर सॉफ्टवेयर को द्वितीयक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी से लेकर प्राइमरी मेमोरी में डालता है इसके अलावा हार्डवेयर और जो यूज़र है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है मेमोरी और फाइल मैनेजमेंट का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है ठीक है समझ में आया और ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल क्या क्या होगा तो बहुत सारा एग्जाम्पल है जैसे एमएस डॉस एम एस डॉस क्या है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है मतलब बोल सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है एमएस डॉस तो एमएस डॉस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है ठीक है इसके अलावा और भी है जैसे यूनिक्स लिख लीजिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम यूनिक्स यूनिक्स क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स लाइनक्स क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है ठीक है एंड्रॉइड ओएस के है ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल फोन के लिए मोबाइल फोन के लिए एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है समझ में आया तो एम एस डॉसिक्स लाइन विंडोजा विंडोज़ सेवन विंडोज टेन विडोज नाइन्टी फाइव विंडोज नाइन्टी एट विंडोज टू थाउजेंड यह सब क्या है यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है समझ में आया तो याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी आपका क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है ठीक है आ गया समझ में ये इसके बाद देखिए यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है तो सबसे पहले तो आपको पता होगा सॉफ्टवेयर क्या होता है तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नियम और क्रियाओं का एक समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को कंट्रोल करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है ताकि किसी विशेष कार्य को पूरा किया जा सके ठीक है और हम लोग जानते हैं कि हार्डवेयर को छुआ जा सकता है लेकिन सॉफ्टवेयर को छुआ नहीं जा सकता है ठीक है और यहां से याद रखना है कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो तीन प्रकार का होता है सॉफ्टवेयर तीन प्रकार का होता है एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो यहां पे एक दिया है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ठीक है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है आप याद रखिएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो अलग अलग हार्डवेयर संसाधनों को कंट्रोल करता है ठीक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए ये पृष्ठभूमि तैयार करता है पेरिफेरल डिवाइसों पेरीफेरल जो डिवाइस होता है ठीक है उसके साथ ये समन्वय करता है उसको कोऑर्डिनेट करता है ठीक है समझ में आए तो आपको याद रखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत कार्यों को संपन्न करने तथा उनके कार्य के लायक बनाए रखने के लिए मतलब पृष्ठभूमि तैयार करता है ठीक है आ गया समझ में तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत सारा सवाल बनता है यहां से सिस्टम सॉफ्टवेयर से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या क्या हुआ ठीक है या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या क्या हुआ ठीक है तो आप ये याद रखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या क्या होता है तो स्प्रेडशीट डेटाबेस बेस अकाउंटिंग पेजमेकर वर्ड प्रोसेसर ये सब क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है ठीक है तो ये सवाल समझ में आ गया होगा आपका सही आंसर होगा वेब ब्राउजर याद रखेंगे ठीक है क्लास को एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सके और क्लास का लाभ उठा सके कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति बोर्ड के विपरीत कार्य करती है आंसर कीजिएगा कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा एक ऐसा युक्ति है जो बोर्ड के विपरीत काम करता है ठीक है ऑप्शन देख के आप आंसर कर सकते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए तो आप देखिए यहां पे प्रिंटर लिखा हुआ है ठीक है तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है ठीक है और बाकी आप देख रहे हैं ट्रैक बॉल जॉयस्टिक माउस क्या इनपुट डिवाइस है इनपुट डिवाइस क्या होता है तो आप जानते हैं तो बताइए इनपुट डिवाइस क्या होता है ठीक है तो याद रखना है वैसा यंत्र जिनके द्वारा डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में डाला जाता है उन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है कंप्यूटर इनपुट डेटा टेक्स्ट साउंड इमेज वीडियो या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में ले सकता है ठीक है और कुछ इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल क्या क्या होता है एक तो ट्रैक बॉल जॉयस्टिक माउस ठीक है ये सब इनपुट डिवाइस में आएगा और भी है जैसे लाइट पेन लाइट पेन क्या होता है इनपुट डिवाइस में आता है याद रखेगा लाइट पेन इनपुट डिवाइस है स्कैनर स्कैनर इंपॉर्टेंट है स्कैनर याद रखना है कि इनपुट डिवाइस है बार कोड रीडर ठीक है बार कोड रीडर ये भी पूछा जाता है तो याद रखिएगा बार कोड रीडर इनपुट डिवाइस है ठीक है बार कोड रीडर क्या है इनपुट डिवाइस लाइट पेन इनपुट डिवाइस स्कैनर इनपुट डिवाइस ठीक है इसके अलावा कौन कौन सा और इनपुट डिवाइस है ये या आप याद रखिएगा आपको याद रखना है ओ एम आर यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर ठीक है तो ओ एम आर क्या है ओ एम आर भी इनपुट डिवाइस है ओ एम आर सीट आप जानते हैं ओ एम आर क्या है इनपुट डिवाइस है डिजिटल कैमरा क्या है तो डिजिटल कैमरा ये आप याद रखिएगा इनपुट डिवाइस है डिजिटल कैमरा ठीक है डिजिटल कैमरा क्या है इनपुट डिवाइस है टच स्क्रीन क्या होता है तो टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस है ये सब तो आसान है माइक माइक याद रखना माइक इनपुट डिवाइस है ठीक है ओ एम आर इनपुट डिवाइस डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस ये सब आसान था लेकिन माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इसलिए याद रखना है माइक क्या है इनपुट डिवाइस है समझ में आया माइक इनपुट डिवाइस है स्पीच रिकोगशन सिस्टम यह क्या है यह भी इनपुट डिवाइस है याद रखिएगा ठीक है यह क्या है माइक इनपुट डिवाइस है इनपुट डिवाइस है माइक आपको याद रखना है ठीक है अब आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं आउटपुट डिवाइस से भी सवाल बनेगा आपका एग्जाम में ठीक है एग्जाम्पल जनरली पूछता है और भी बहुत सारा सवाल बनता है जैसे बार कोड रीडर से सवाल पूछ देगा बारकोड रीडर का आविष्कार किसने किया बारकोड रीडर का यूज कहां, कहां होता है स्कैनर का यूज क्या है ठीक है इस तरह का सवाल भी पूछा जाता है ठीक है तो यहाँ पे आप देखते हैं आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल क्या क्या है तो आप जानते हैं आउटपुट डिवाइस में कौन कौन सा आता है मोनिटर आएगा आउटपुट डिवाइस में क्या आएगा मोनिटर आएगा वीडियो आएगा वीडियो मतलब क्या होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है प्रिंटर होता है प्लॉटर होता है प्लॉटर प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है स्पीकर आउटपुट डिवाइस है कार्ड रीडर आउटपुट डिवाइस है टेप रीडर जो होता है आउटपुट डिवाइस है ठीक है तो ये सब आप याद रखिएगा ठीक है और मॉनिटर को वीडियो ही कहा जाता है वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट ठीक है तो आप याद रखिएगा तो यहां पे आपका सही आंसर क्या होगा आप याद रखिएगा प्रिंटर प्रिंटर आपका सही आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगला सवाल देख लेते हैं रैम का उपयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि आंसर कीजिएगा रैम का उपयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्यों रैम का फुल फॉर्म क्या होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना तो अब आप आंसर करें कि रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के रूप में किया जाता है ऐसा क्यों किया जाता है तो आप सभी को पता होगा आंसर होने वाला है क्या ऑप्शन नंबर एक यह परिवर्तनशील होता है रैम जो होता है यह वोलाटाइल मेमोरी होता है ठीक है समझ में आया वोलाटाइल क्या होता है तो आप जानते हैं कि जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो मेनली वोलाटाइल होता है ठीक है प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल होता है और सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल होता है वोलाटाइल का मतलब क्या होता है लाइट जाने के बाद पावर जाने के बाद जो भी डेटा स्टोर है वो अपने आप डिलीट हो जाता है अपने आप नष्ट हो जाता है ठीक है तो रैम क्या है वोलाटाइल मेमोरी है आप याद रखेंगे अब देखिए रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम माइक्रोचिप त्रिव सेमीकंडक्टर होता है जिसमें डेटा एक्सेस टाइम की बहुत डेटा एक्सेस टाइम जो है वो भौतिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता है यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में सूचना रैम में चाहे कहीं भी स्थित हो उसे पढ़ने में एक समान समय लगता है ठीक है रैंडम एक्सेस मेमोरी में सूचनाओं को क्रम के अनुसार न पढ़कर सीधे वांछित रूप से पढ़ा जा सकता है और रैम जो है एक वोलाटाइल मेमोरी है जहां डेटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है इसमें संग्रहित डेटा को बदला जा सकता है कंप्यूटर का पावर सप्लाई बंद कर देने पर रैम में स्टोर डेटा जो होता है वो समाप्त हो जाता है याद रखिएगा ठीक है आया समझ में तो आंसर क्या होगा रैम एक परिवर्तनशील होता है यानी रैम जो है वोलाटाइल होता है चलिए अगला सवाल देखें डी टी पी फॉर आंसर करेंगे डी टी पी का मतलब क्या होता है तो डी टी पी का अर्थ क्या होता है आपको बताना है तो डी टी पी आप जानते हैं डेस्क टॉप पब्लिशिंग तो याद रखना है डी टी पी का फुल फॉर्म क्या होता है डेस्क टॉप पब्लिशिंग आप याद रखेंगे और फुल फॉर्म बहुत सारा पूछा जाता है एग्जाम में जैसे डी बी एम एस का फुल फॉर्म क्या होता है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम डी डी एस का फुल फॉर्म क्या होता है डिजिटल डेटा स्टोरेज ठीक है फिर डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है डोमेन नेम सिस्टम डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है डीपीआई ये पूछता है एग्जाम में डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है तो याद रखना है डॉट्स पर इंच डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच याद रखिएगा डी पी आई का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीटीपी का फुल फॉर्म है डेस्कटॉप पब्लिशिंग याद रखिएगा ठीक है और डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क आप याद रखेंगे डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क डीवीडी का फुल फॉर्म होता है तो फुल फॉर्म बहुत सारा पूछता है एग्जाम में कैड का फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर आईडे डिजाइन ठीक है याद रखेगा चलिए तो अगला सवाल देख लेते हैं कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी के रूप में कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के रूप में किसका उपयोग किया जाता है आंसर करेंगे प्राइमरी मेमोरी के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है तो सही आंसर क्या होगा आंसर बताएंगे प्राइमरी मेमोरी के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है तो सही आंसर क्या होगा आंसर करें ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा रैम ठीक है तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के रूप में रैम का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है और रैम हम लोग पढ़ें कि रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो कि वोलाटाइल होता है तो रैम जो है प्राइमरी मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है आप याद रखिएगा ठीक है तो रैम प्राइमरी मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है अब देखिए यहाँ पर और भी सवाल बन सकता है ऑप्शन के अनुसार आप देखते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होता है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होता है इसके अलावा मैग्नेटो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस भी यूज किया जाता है स्टोरेज करने के लिए ठीक है अब मैग्नेटिक टेप क्या होता है आपको पता है मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल करते हैं तो मैग्नेटिक टेप जो होता है वो क्रमानुसार मेमोरी का उदाहरण है ठीक है इसमें प्लास्टिक रिबन पर एक चुंबकीय पदार्थ यानी ऐसे पूछता है एग्जाम में कि मैग्नेटिक टेप में कि कि किसका इस्तेमाल किया जाता है तो मैग्नेटिक टेप बनाने में आयरन ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है याद रखिएगा ठीक है इसके अलावा पूछता है चुंबकीय डिस्क डिस्क यानी मैग्नेटिक मैग्नेटिक तो डिस्क जो होता है वो नन नन वोलाटाइल होता है मैग्नेटिक डिस्क जो होता है, वो होता है है वो वोलाटाइल प्रकार का आप याद रखिएगा फ्लॉपी डिस्क से भी सवाल पूछा जाता है कि फ्लॉपी डिस्क का भंडारण क्षमता कितना होता है तो हाई डेंसिटी वाले फ्लॉपी डिस्क का भंडारण क्षमता वन पॉइंट होता है ठीक है समझ में आया तो फ्लॉपी डिस्क भी आप याद रखिएगा कि फ्लॉपी डिस्क का जो भंडारण क्षमता होता है वन पॉइंट होता है जबकि अति उच्च डेंसिटी uh, वाले फ्लॉपी डिस्क का भंडारण क्षमता टू पॉइंट एट एट एम बी होता है ठीक है फिर फ्लॉपी कुछ वृत्ताकार पथों में बटा होता है जिसे ट्रैक कहा जाता है पूछता है कि फ्लॉपी डिस्क में वृत्ताकार पथ होता है उसे क्या कहा जाता है तो उसे ट्रैक कहा जाता है और प्रत्येक सेक्टर की स्टोरेज क्षमता क्या होती है प्रत्येक सेक्टर की स्टोरेज क्षमता जो होता है वो पांच सौ बारह बाइट होता है याद रखिएगा ठीक है समझ में आ गया तो याद रखिएगा अच्छा ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है आपको पता है प्रकाशीय या ऑप्टिकल डिस्क तो आप याद रखिएगा आजकल डिस्क जो होता है वो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना गोल डिस्क है जिसकी एक सतह को प्रकाश प्रावर्तित करने के लिए एल्यूमिनियम की पतली परत चढ़ाकर चमकदार बनाया जाता है ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा लिखने या पढ़ने के लिए लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही है क्योंकि ऑप्टिकल डिस्क आप जान रहे हैं तो ऑप्टिकल डिस्क में पूछेगा किसका इस्तेमाल किया जाता है ठीक है तो याद रखिएगा ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा लिखने या पढ़ने के लिए लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है तो याद रखना है लेजर बीम का इस्तेमाल ठीक है ऑप्टिकल डिस्क में लेजर बीम का उपयोग किया जाता है ठीक <स> <wszyst> है और यह याद रखिएगा कि ऑप्टिकल डिस्क में डेटा को पिट्स और लेंस में स्टोर किया जाता है ठीक है चलिए तो अगला सवाल आप देख लें तो ये भी आप याद रखिएगा कि कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के रूप में किनका प्रयोग किया जाता है तो रैम का उपयोग प्राइमरी मेमोरी के रूप में किया जाता है फुल फॉर्म बहुत सारा पूछता है जैसे FAT, FAT का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल ठीक है तो ये कैसे याद होगा फुल फॉर्म जब आप रेगुलर रहेंगे और रेगुलर रिविजन करते रहिएगा याद हो जाएगा फुल फॉर्म से सवाल पूछेगा आपका ठीक है अगला सवाल देखते हैं डेटा दे वर्ड वन की विषम ठीक है आपको बताना वाट इज यूज टू आइडेंटिफाई वेदर ए डेटा वर्ड हैज एन ऑर्ड और इवन नंबर ऑफ वंस डेटा वर्ड वन की विषम या सम संख्या है ठीक है विषम या सम संख्या है यह ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है यानी कोई डेटा वर्ड जो है वो एक का विषम है या फिर सम संख्या को रखता है यह पता किससे चलता है ऑप्शन नंबर ए कैरी बीट ऑप्शन नंबर बी साइन बीट ऑप्शन नंबर सी जीरो बीट ऑप्शन नंबर डी पैरिटी बीट तो याद कर रखेगा पैरिटी बिट पैरिटी बिट से पता चलता है कि डेटा वर्ड जो है वो वन का विषम संख्या को रखता है या वन का सम संख्या को रखता है तो याद रखेगा डेटा वर्ड वन की विषम या सम संख्या ज्ञात करने के लिए पैरिटी बिट का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है सवाल है मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को क्या कहा जाता है तो आंसर कीजिएगा मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवटन को क्या कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए नेटवर्किंग ऑप्शन नंबर बी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑप्शन नंबर सी मल्टी टास्किंग ऑप्शन नंबर डी मेमोरी मैनेजमेंट तो बहुत आसान सवाल है तो मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को क्या कहा जाता है मेमोरी मैनेजमेंट कहा जाता है यानी रीअरेंज देखिए इंग्लिश में आसानी से लिखा है रीअरेंजिंग एंड एलोकेटिंग स्पेस इन मेमोरी टू प्रोवाइड फॉर मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क इज कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट ठीक है तो ये बिना याद किए हुए भी आप आंसर कर सकते थे इसका द फादर ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर के जनक किन्हें माना जाता है तो काफी आसान सवाल है आंसर करें अगर पता है तो कंप्यूटर के जनक किन्हें माना जाता है तो सभी का सही आंसर होगा इसमें तो याद रखेंगे चार्ल्स बेबेज चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है ठीक है तो सही आंसर क्या होगा आप याद रखिएगा चार्ल्स बेबेज चार्ल्स बेबेज अंग्रेज थे यानी ब्रिटेन के थे ब्रिटिश गणितज्ञ ये पूछ सकता है सवाल ये किस देश के थे तो ब्रिटेन के थे ठीक है तो चार्ल्स बेबेज ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे और चार्ल्स बेबेज ने 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन और 1842 ईस्वी में आविष्कार किया तो पूछेगा एनालिटिकल इंजन का आविष्कार आविष्कार किसने किसने किया? Charles ने, डि, डि, किस ने किया? Charles ने ने का याद रखेगा तो Charles को, का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था याद रखेगा ठीक है पीएसडब्ल्यू स्टैंड फॉर पी का फुल फॉर्म क्या है आंसर करेंगे PSW का फुल फॉर्म क्या है ऑप्शन नंबर ए प्रोग्राम स्टेटस वर्ड ऑप्शन नंबर बी प्रोसेसर स्टेटस वर्ड ऑप्शन नंबर सी प्रोसेस प्रोसेस स्टेटस वर्ड ऑप्शन नंबर डी प्रिमटिव स्टेटस वर्ड तो PSW का फुल फॉर्म क्या होता है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड तो याद रखिएगा PSW का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड ठीक है पी से प्रोग्राम एस से स्टेटस डब्ल्यू से वर्ड तो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड फुल फॉर्म होता है PSW का याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिन प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है आंसर कीजिएगा द टेक्नोलॉजी यूज इन द इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहा जाता है तो क्या कहा जाता है आंसर करें तो सही आंसर क्या होगा माइक्रो इन ठीक है तो याद रखेगा इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है उसे माइक्रो इनकै इनकेप्सुलेशन कहा जाता है ठीक है इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है उसे माइक्रो इनकेप्सुलेशन कहा जाता है प्रिंटर क्या है तो आप सभी जानते हैं प्रिंटर पूछेगा तो प्रिंटर क्या है प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है ठीक है तो प्रिंटर याद रखना एक मशीन है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट को कागज़ पर उतारता है यानी प्रिंटर हार्ड कॉपी या परमानेंट कॉपी प्रदान करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है ठीक है प्रिंटर की गुणवत्ता को कैसे पता करते हैं तो रिजोल्यूशन में प्रिंटर की गुणवत्ता उसके रिजोल्यूशन से मापी जाती है ठीक है और डी यानी डॉट्स पर इंच याद रखना है इंपॉर्टेंट है यहाँ पे तो प्रिंटर की गुणवत्ता को हम लोग डी में मापते हैं याद रखना यानी उसका रिजोल्यूशन से पता चलता है प्रिंटर का गुणवत्ता और एक वर्ग इंच में स्थित डॉट की संख्या को डीपीआई यानी डॉट्स पर इंच कहा जाता है प्रिंटर को सिस्टम यूनिट से कैसे जोड़ते हैं तो प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है यह भी सवाल पूछता है कि प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के किस पोर्ट से जोड़ा जाता है तो प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है आप याद रखेंगे ठीक है प्रिंटर का भी कुछ प्रकार है जैसे कैरेक्टर प्रिंटर लाइन प्रिंटर पेज प्रिंटर ठीक है तो क्षमता के अनुसार उसके बाद प्रिंट करने के तरीका के अनुसार भी प्रिंट को दो भाग में बांटा गया है मतलब प्रिंटर को अलग अलग प्रकार में बांटा गया है जैसे प्रिंट क्षमता के अनुसार फिर प्रिंट करने के तरीके के अनुसार इंपैक्ट प्रिंटर है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है फिर इम्पैक्ट प्रिंटर का भी टाइप अलग है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का भी टाइप अलग है तो ये सब आपको याद रखना होगा इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है तो यह टाइपराइटर की तरह पेपर और इंक रिबन पर दबाव डालकर प्रिंट करता है यानी इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो टाइपराइटर की तरह काम करता है यानी इंपैक्ट प्रिंटर टाइपराइटर की तरह पेपर और इंक रिबन पर दबाव डालकर प्रिंट करता है इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा केवल एक ही रंग का आउटपुट प्राप्त किया जाता है जो रिबन के रंग पर निर्भर करता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है याद रखिएगा ठीक है और नन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है तो नन इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा कार्बन कॉपी नहीं प्राप्त की जा सकती है नन इम्पैक्ट प्रिंटर की गति तेज़ होती है और यह आवाज़ भी कम करता है ठीक तो है तो नन इम्पैक्ट प्रिंटर इंपॉर्टेंट है नन इम्पैक्ट प्रिंटर का ही एग्जाम्पल होता है इंकजेट प्रिंटर लेज़र प्रिंटर थर्मल प्रिंटर ठीक है ये सब आप याद रखिएगा और लेज़र प्रिंटर जो होता है वो उच्च गति वाला नन इम्पैक्ट प्रिंटर है तो आपसे पूछेगा उच्च गति वाला प्रिंटर कौन सा है तो याद रखना है लेजर प्रिंटर उच्च गति वाला प्रिंटर है और लेज़र प्रिंटर जो है वो नन इम्पैक्ट प्रिंटर है याद रखिएगा ठीक है, चलिए तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा तो क्लास को एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सके और क्लास का लाभ उठा सके अगला सवाल निम्नलिखित में कौन सा डेटा हायरकी का आरोही क्रम है आपको बताना है इनमें से कौन सा डेटा हायरकी का आरोही क्रम है तो बहुत अच्छा सवाल है तो आपको पता होगा कि बीट बीट सबसे पहले आएगा है ना क्योंकि डिज, क्योंकि डिजिटल डेटा का सबसे छोटा और मूल इकाई जो होता है बिट होता है तो बीट आप देखिए सबसे पहले होना चाहिए क्योंकि बिट सबसे छोटा होता है है ना तो इन दोनों में है बिट यहाँ भी है बिट यहाँ भी है. आप जानते बिट कहते किसे हैं तो डिजिटल डेटा की सबसे छोटी और मूल इकाई को बिट कहा जाता है बीट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट पूछता है बीट का फॉर्म क्या होता है बिट का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट होता है याद रखिएगा किसी भी डिजिटल डेटा को कंप्यूटर मेमोरी में बिट के रूप में स्टोर किया जाता है तो सबसे छोटा इकाई बिट हो गया अब होता है बाइट ठीक है बाइट क्या होता है तो याद रखेगा आठ बिट मिलकर एक बाइट का निर्माण करता है तो याद रखेगा आठ बिट मिलकर एक बाइट का निर्माण करता है तो बाइट हो गया उसके बाद आया समझ में आठ बिट मिलकर एक बाइट का निर्माण करता है आप याद रखिएगा तो बिट से बड़ा हो गया बाइट बाइट से बड़ा होता है फील्ड फील्ड क्या होता है डेटा में मूल डाटा के नाम जिस स्थान पर स्टोर किए जाते हैं उसे फील्ड कहा जाता है याद रखिएगा डेटाबेस में मूल डाटा का जो मान होता है उसको जहां पर भी स्टोर किया जाता है उसे फील्ड कहा जाता है फील्ड जो है वो बहुत सारे कैरेक्टर से मिलकर बनता है और कैरेक्टर कैसे बनता है तो याद रखना है आठ बीट या एक बाइट मिलकर कैरेक्टर बनता है ठीक है समझ में आ रहा है याद रखिएगा आठ बिट या एक बाइट मिलकर कैरेक्टर बनता है और बहुत सारा कैरेक्टर मिलकर फील्ड बनता है समझ में आया यानी बहुत सारा बाइट मिलेगा तो उससे क्या बनेगा फील्ड बनेगा आ गया समझ में याद रखिएगा और फील्ड कैरेक्टरों का अर्थपूर्ण संग्रह है डेटा प्रोसेसिंग में फील्ड सबसे छोटा लॉजिकल इकाई है जिसका कुछ मान या अर्थ होता है अब फील्ड के बाद क्या होगा रिकॉर्ड रिकॉर्ड क्या होता है तो बहुत सारा फील्ड मिलकर रिकॉर्ड का निर्माण करता है एक ही विषय पर अलग अलग फील्ड में स्टोर किए गए डाटा के समूह को रिकॉर्ड कहा जाता है तो याद रखिएगा एक ही विषय पर अलग अलग फील्ड में स्टोर किए गए डेटा के समूह को रिकॉर्ड कहा जाता है ठीक है उसके बाद क्या होता है फाइल का निर्माण होता है यानी आपस में जुड़े हुए बहुत सारे रिकॉर्ड को जब मिलाते हैं तो उससे फाइल का निर्माण होता है समझ में आया यानी एक जैसा बहुत सारा रिकॉर्ड मिलाने पर एक फाइल का निर्माण होता है ठीक है आया समझ में और फिर उसी प्रकार बहुत सारा संबंधित फाइल को मिलाते हैं तो उससे डेटाबेस का निर्माण होता है ठीक है तो आपका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा समझ में आया तो आप याद रखिएगा बीट सबसे छोटा यूनिट है जिसे बाइनरी डिजिट कहा जाता है और उसके बाद बाइट आता है ठीक है एक बाइट बराबर आठ बिट होता है याद रखिएगा बहुत सारा बाइट मिलकर फील्ड का निर्माण करता है बहुत सारा फील्ड मिलकर रिकॉर्ड का निर्माण करता है बहुत सारा रिकॉर्ड मिलकर फाइल का निर्माण करता है और बहुत सारा फाइल मिलकर डेटाबेस का निर्माण करता है तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा ठीक है तो इतना ही सवाल था ठीक है उम्मीद करेंगे आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ कोई भी कमेंट कोई भी डाउट होता है कोई भी टॉपिक में परेशानी है तो कमेंट कर सकते हैं तो प्लीज क्लास को सपोर्ट कीजिएगा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जय हिंद जय भारत जय बी धन्यवाद